दोस्तों आज की स्ट्रेटजी खासकर उन लोगों के लिए है जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है और वो अपना लॉस करवाते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना नहीं आता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट करें ताकि आप इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं और निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने चूज़ किया है और जो इंडिकेटर हमने यहाँ पर लगाया है उसकी दो लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। एक यहाँ पर ग्रीन लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड लाइन आपको दिख रही है और एक ग्रीन लाइन आपको दिख रही है। बेसिकली इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। ये जो इंडिकेटर है आपको लाइन ड्रॉ करके देता है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है, एक यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और यहाँ पर एक रेड लाइन आपको दिख रही है, इसको भी हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्रीन वाली लाइन को तोड़कर मार्केट ऊपर गया है और कितना बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर सिग्नल भी आपको उसने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है, यानी कि बाय यहाँ पर आपको सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते थे, यानी कि ये सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करता है, आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, ये भी आपको ये प्रोवाइड करता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल भी नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इसको बाय कर लेते, 15,680 के आसपास निफ्टी का प्राइस चल रहा था और उसके बाद इसने कितने का हाई लगाया, 15,793 रुपये का इसने हाई लगाया, यानी कि 120 पॉइंट की रैली आपको यहां पर देखने को मिली। अगर आपने एट द मनी कॉल को यहां पर बाय किया होता, 60 पॉइंट का प्रॉफिट आपको एक लॉट के ऊपर मिलना था। 60 पॉइंट छोड़िए, आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो इजीली आप निकाल सकते थे। सिग्नल भी आपको ये इंडिकेटर प्रोवाइड करता है और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देता है। काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे आए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक सेल सिग्नल आपको मिला हुआ है। हालांकि यहाँ पर बी लिखा हुआ है लेकिन रेड कलर में लिखा हुआ है। रेड कलर का मतलब यह है कि रेड कलर में अगर आपको बी लिखा हुआ मिलता है तब आपको पुट बाय करना है, और अगर ग्रीन कलर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में अगर आपको बी लिखा हुआ मिलता है तब आपको कॉल बाय करना है। ठीक है, 15,770 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था निफ्टी का और उसके बाद 15,500 तक मार्केट आया है, यानी कि तकरीबन 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। अगर यहाँ पर आपने पुट ऑप्शन बाय किया होता काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आप बना सकते थे ऑप्शन के अंदर। चलिए मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको एक बाय सिग्नल मिला हुआ है, ग्रीन कलर में बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है। यहाँ पर भी मान लीजिए आप एंट्री करते तो यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा था 15,800 के आसपास और उसके बाद इसने कितने का हाई लगाया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15,852 रुपये का, यानी कि तकरीबन मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया है। अगर आपने एट द मनी यहाँ पर कॉल बाय किया होता 25 पॉइंट का प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर आपको मिलता। 25 छोड़िए सर, 15 पॉइंट का प्रॉफिट आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते थे। चलिए मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सिग्नल आपको मिला हुआ है, रेड कलर में बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं। इस इंडिकेटर ने आपको पहले ही यहाँ पर सिग्नल दे दिया है, तो काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है ये। आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करता है, आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देता है और आपको यहाँ पर बता देता है कि कहाँ पर आपको बाय करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा था निफ्टी का 15,810 के आसपास प्राइस चल रहा था। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री की होती 15,812 के आसपास निफ्टी का प्राइस चल रहा था
और उसके बाद कितना मार्केट नीचे आया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद निफ्टी ने कितने का लो लगाया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15,734 रुपए का निफ्टी ने यहाँ पर लो लगाया, यानी कि तकरीबन मार्केट 70 से 75 पॉइंट यहाँ से नीचे आया है। अगर आपने एट द मनी यहाँ पर पुट को बाय किया होता तो एक लॉट के ऊपर आपको 35 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना था, 35 छोड़िए सर 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते थे। तो काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है सर, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है जो मार्केट में नए हैं। अब वो लोग भी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ये इंडिकेटर काफ़ी कमाल का इंडिकेटर है। तो जितना मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँगा ये सारे ये इसी तरह के सिग्नल आपको प्रोवाइड करता रहता है। और ये कौन सा इंडिकेटर है चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कौन सा ये इंडिकेटर है, आपको कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम लिख के आ रहा है, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स लक्स 14180R। ये नाम यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर या ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ज़ेरोधा के अंदर अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, एंजल वन के अंदर भी नहीं मिलेगा और शायद अपस्टॉक के अंदर भी नहीं मिलेगा। ये इंडिकेटर आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर। आपको जाना है सिंपल प्ले स्टोर के ऊपर और वहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर सकते हैं। अब इसकी कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है, क्या सेटिंग करनी पड़ती है चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपको इनपुट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ओनली कन्फर्म ब्रेकआउट्स लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पर अनटिक होगा पहले से, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे और ओके कर देंगे। अब जितने भी आपको सिग्नल मिलेंगे वो सारे कन्फर्म मिलेंगे, यानी कि अब आपके लॉस करने के जो चांस हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। अब जितने भी कन्फर्म सिग्नल आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको ट्रेड करना है और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आप बना सकते हैं इस इंडिकेटर को यूज़ करके, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आप मार्केट से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट किया करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।